सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज और अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, ये छोटी सी खबर निकल के आ रही है इंडिया और इंग्लैंड के चौथे टेस्ट मैच से, जहां पर दोस्तों इंग्लैंड टीम के बहुत ही अनुभवी और बहुत ही अच्छे ओपनिंग बल्लेबाज एलिस्टर कुक जो है वो चौथा मुकाबला साउथहैम्पटन में मिस कर सकते हैं। दोस्तों, इसके पीछे की वजह ये है कि जो एलिस्टर कुक के तीसरी संतान है, यानी कि जो उनके तीसरे बच्चे हैं, उनका जो है 30 अगस्त को जन्मदिन है और उसी दिन जो है इंग्लैंड और इंडिया का चौथा मुकाबला होने वाला है। तो दोस्तों, ऐसी खबरें आ रही है कि अपने तीसरे बच्चे के जन्मदिन की वजह से जो है कुक चौथा मुकाबला साउथहैम्पटन में इंग्लैंड की तरफ से मिस कर सकते हैं। दोस्तों, इंग्लैंड की टीम ने बोला है कि अगर जो कुक की तीसरी संतान है उनके जन्मदिन के टाइमिंग के अनुसार अगर कुछ हो सकता है तो कुक जो है चौथा मुकाबला खेल सकते हैं, यानी कि टाइम मैनेजमेंट करके कुक जो है चौथा मुकाबला खेल सकते हैं, नहीं तो बहुत कम चांस है कि जो एलिस्टर कुक है वो चौथा मुकाबला इंग्लैंड की तरफ से खेलते हुए नज़र आएंगे। दोस्तों, ये जो है इंग्लैंड की टीम को बहुत बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि एलिस्टर कुक जो है वो बहुत ही बड़े खिलाड़ी है, लेकिन इस सीरीज़ में कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाए हैं। लेकिन हम सभी को पता है एलिस्टर कुक किस दर्जे के टेस्ट प्लेयर है, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे। तो मेरे हिसाब से जो है इंग्लैंड की टीम को ये एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कुक के रिप्लेसमेंट की। अगर एलिस्टर कुक चौथा मुकाबला नहीं खेलते हैं तो इंग्लैंड की तरफ से जो है रॉरी बंस हम सभी को ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं कीटन जेनिंग्स के साथ में। दोस्तों, यही थी एक छोटी खबर एलिस्टर कुक को लेके। अगर आगे कोई भी खबर आती है तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।